दोस्तों हाल ही में आई हुई द कश्मीर फाइल मूवी में 1990 के दौरान कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार की कहानी बताई गई है। इस फिल्म के हर कैरेक्टर ने अपना रोल बखूबी निभाया है। अभिनेता अनुपम खेर ने इस फिल्म में पुष्कर नाथ पंडित का रोल निभाया है। बता दूं कि इस मूवी में पुष्कर नाथ पंडित यानी कि अनुपम खेर को डिमेंशिया नाम की एक बीमारी की शिकायत थी, जिसके बारे में हम आज की वीडियो में जानने वाले हैं। तो आपको बता दूं, डिमेंशिया एक तरह का मेंटल डिसऑर्डर है जिसकी दुनिया में काफी सारे लोगों को शिकायत है। बता दूं कि डिमेंशिया कोई बीमारी नहीं बल्कि एक मानसिक रोग है। रिपोर्ट के मुताबिक 65 साल से अधिक उम्र के 10 में से एक शख्स को ये बीमारी हो सकती है और ये इंसान के दिमाग को काफी हद तक नुकसान पहुंचा सकता है। तभी तक कश्मीर फाइल मूवी में अनुपम खेर इसी अंदाज में पाए गए। बता दूं कि ये मूवी 11 मार्च को रिलीज हुई थी और इन दिनों सोशल मीडिया में ये काफी तहलका मचा रही है। डिमेंशिया नाम की इस बीमारी के बारे में मूवी के बिल्कुल लास्ट में बताया जाता है। दोस्तों ऐसी और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।